प्रधान जी इजाजत है दो मिनट बोल लो। आदरणीय बुजुर्गों, दूर दूर से आए खाप के प्रधान साथियों, युवा साथियों, पिता सुल्ले बुजुर्ग सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे गांव की तरफ से, मेरे खाप की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। मैं जगदीश जागर, मैं एक कृषि वैज्ञानिक हूँ, साइंटिस्ट हूँ और 20-25 देशों में भ्रमण किया है, दूर दूर से भाषण भी दिए हैं साइंस के, कृषि वैज्ञानिक के, लेकिन मैं एक सामाजिक सभाओं में बहुत अच्छा वक्ता शायद नहीं हूँ। मेरे दिल भरा हुआ है, वक्ता तो मैं हूँ, जब मैं बड़े बड़े व्याख्यान, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिस में बाहर भाषण दे सकता हूँ तो यहाँ भी दे सकता हूँ, पर मैं सारे इश्यू को नॉन पॉलिटिकल रखना चाहता हूँ। और पिछले 15-20 दिनों से आप सबको भी पता है कि क्या चल रहा है। मैं किताब लिखता रहता हूँ, बहुत कम YouTube वगैरह देखता था, लेकिन ये 15 दिनों में मैंने सारे अखबार, सारे YouTube, सारे चैनल्स खूब पढ़े और उन सब के माध्यम से जाना है, जितना भी कुछ जाना है कि भी आप लोगों का जो सहयोग है खाप में, ऐसे परिवार से हूँ, गांव से हूँ, तो हमें सबको पता है कि भाई हमारे बच्चे कितने होनहार हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की, मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ, पहले भाई साहब, छोटे भाई जो हैं ये धनखड़ साहब से मिले, ओम प्रकाश से, उनसे मिलके, विज साहब से भी जो होम मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उनसे अपॉइंटमेंट ली, उस डेलीगेशन में मैं भी गया था। मैंने विज साहब से कहा कि विज साहब, हम वो लोग हैं जो कारगिल के ऊपर झंडा लेके अपनी आन के लिए, देश के लिए, इतनी बर्फ में हमारे बच्चे हर जगह कुर्बानी देते हैं, पूरे कंट्री में आप देख लो कितने मेडल हमारे बच्चे लाते हैं, हमारी बच्चियां आगे इसलिए आ रही हैं कि उनमें साहस है, हिम्मत है। हमने अपने, उनके जो पिताजी हैं वो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, बहुत बड़ा ऑनर भी उनको मिला, इतने ईमानदार रहे वो, अपनी बच्ची के 8वीं क्लास में पढ़ती थी तो उसका केस भी उसने फाइल कर दिया था नकल करते हुए, इतने ईमानदार वो आदमी हैं। हमने अपने बच्चों को एक ही संस्कार दिया है, वो है कैरेक्टर बिल्डिंग। तो अगर मैं आपको बताने आया हूँ, मैंने विज साहब से कहा कि हमारे पास ना पैसा है, ना धन है, ना दौलत है, हमारे पास ले दे के एक आबरू है, और अगर कोई आदमी उस आबरू पे हाथ डालता है वो बर्दाश्त ना हम कर सकते हैं ना होगी। तो वो बोले, और मैंने कहा जो ये लड़की ने आपके पूरे सिस्टम के खिलाफ उठ के जो आवाज़ उठाई है वो उसकी बहादुरी का एक नतीजा है, ये बात मैंने विज साहब से बताई। और मैंने उनसे बहुत नम्रता से हाथ जोड़ के कहा कि आपसे हम न्याय की उम्मीद लेके आए हैं, तो आप न्याय कीजिए। वो बोले जहाँ विज है वहाँ न्याय है। अब मैं आपको न्याय की बात एक छोटी सी बताता हूँ, बहुत सारे वक्ता हैं वो बोलेंगे, मेरी एक ही विनती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने न्याय किया, बहुत बड़ा न्याय सरकार ने उस बेटी के साथ किया, अगले दिन उसकी सिक्योरिटी उठा ली। दूसरा न्याय क्या किया, एक असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ADG, उनके लीगल महकमे के सबसे बड़े अफसर होते हैं जो सरकार के CVI में, CID में, जो सरकार की पैरवी करते हैं कोर्ट्स में, मिस्टर सबरवाल सरकार का ADG है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, वो अटॉर्नी जनरल है, वो उनकी पैरवी कर रहा है मिनिस्टर की। सबसे बड़ी बात देखिए उनकी कि वो उस सरकार की पैरवी कर रहा है, ये उन्होंने हमारी, ये ट्रांसपेरेंसी है, न्याय
कुछ दिन पहले खट्टर साहब से मिले तो कहते जी न्याय चल रहा है, बहुत बड़ा न्याय किया उसने, चार दिन पहले मिनिस्ट्री शफल की है जिसमें वो चाहते तो बाद में भी कोई पहाड़ नहीं टूटना था, उसे एक मिनिस्टर को नहीं लेते, 14वां नंबर उसी का है, उसको फिर दोबारा मिनिस्ट्री में ले लिया जो रीशफल की, ये ट्रांसपेरेंसी है। तो SIT बना रखी है, ठीक है, कोई मेरे को ये बता दे SHO SP सरकार के अगेंस्ट क्या न्याय देगा। तो मैं इससे ज़्यादा इन आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने सरकारें बनाई हैं, सरकारें गिराई, में और कोई विनती नहीं है, ना मैं कोई भाषण दे रहा हूँ, ना मैं कोई और बात कहता हूँ, ये मैं ट्रांसपेरेंसी बता रहा हूँ कि सरकारी वकील सरकार के मंत्री के लिए पेश हो रहा है कोर्ट में, और बड़ी ट्रांसपेरेंट न्याय हो रही है, बहुत बढ़िया। हमारे धनखड़ साहब भी कहते हैं मैं बहुत मदद कर रहा हूँ पीछे से, एक पार्टी का प्रधान BJP का, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वो बहुत मदद कर रहे हैं हमारी, उनकी भी बहुत मदद है, विज साहब बहुत मदद कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बहुत मदद कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, तो ये न्याय हो रहा है। बाकी आप लोग हैं जैसा सोचे, जैसा समझे, जैसी हिदायत दे, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहना, भाषण में बहुत दे सकता हूँ सरकारों के बारे में भी, बिना सरकारों पर ये ना समय है, हम बहुत दुखी हैं। और मैं सबसे पहले आप सब लोगों का, मीडिया का, प्रधान जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ, और बहुत बहुत जितनी दूर दूर से लोग आए तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जो भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, समाज के लिए सोचेंगे, हम भी समाज के एक हिस्सा हैं, जब जब हमें समाज से जिस तरह की भी ड्यूटी मिली हमने निभाई, आगे भी निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद, यूँ प्रणाम।